Hello everyone, my name is Jyoti Sharma and today we'll learn about the topic partograph. तो basically partograph क्या होता है? It is a graphical representation जिसमें हम लोग क्या है जो onset of labor या condition of the mother during and fetal condition during the labor जो है उसको हम लोग क्या है ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें then the definition is the partograph is a graphical representation of the progress of labor and of fetal and maternal condition during the labor। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टोग्राफ क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग प्रोग्रेस ऑफ लेबर को क्या है फिल करते हैं, मदर की कंडीशन और बच्चे की क्या कंडीशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जैसे जैसे लेबर जो है लेबर प्रोसेस है वो प्रोग्रेस हो रहा है उस टाइम पे मदर और बच्चे की कंडीशन क्या है उसको हम लोग जिस पे प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या है पार्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इट इज द बेस्ट टूल टू डिटेक्ट वेदर लेबर इज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली और अबनॉर्मली एंड टू वॉर्न एज सून एज पॉसिबल इफ देयर आर साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस और इफ द मदर्स वाइटल साइंस डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि डेफिनेशन क्या है पार्टोग्राफ की। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड फीटल एंड मेटरनल कंडीशन। अब हम लोगों को क्या इसके पार्टोग्राफ से और क्या पता चलता है कि अगर मदर की कंडीशन मीन्स मेनली इसमें आ जाता है वाइटल साइंस आ जाते हैं मदर के और बच्चे की जो है फीटल हार्ट साउंड जो है वो आ जाती है। अब इन दोनों में अगर कोई भी डिविएशन आ रही है या कोई भी ऑल्ट्रेशन आ रही है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई भी जो प्रोग्रेस जो लेबर है वो नॉर्मली जो प्रोग्रेस है वो नहीं कर रहा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है या लेबर प्रोसेस जो है वो प्रोलॉन्ग क्या है वो जा रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दिस इज द प्रेजेंट दिस इज द इमेज ऑफ मॉडिफाइड पार्टोग्राफ। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आ जाते हैं पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, फिर उसके उसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा में आ जाता है नेम, ग्रेविडा कौन सा ग्रेविडा है और कब एडमिशन हुई थी, टाइम क्या था एडमिशन का, रप्चर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है या अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद फीटस की कंडीशन आ जाती है कि कितने की वो पर मिनट कितने बीट्स ले रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूड आ जाता है, मोल्डिंग आ जाती है, फिर आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर मीन्स सर्विक्स कैसे जो है वो डिसेंड डाउन हो रहा है, हेड कहाँ पे आ रहा है उसका। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है कॉन्ट्रैक्शंस कितनी आ रही है 10 मिनट में, ऑक्सीटोसिन ड्रिप कितनी चल रही है, चल भी रही है या नहीं, ड्रग्स कौन कौन सी दी है। फिर उसके बाद आ जाता है मदर का जो है वाइटल साइंस दैट इज पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। राइट, दिस इज द मॉडिफाइड इमेज ऑफ पार्टोग्राफ। नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। तो कंपोनेंट्स अगर हम लोग बात करें तो मेन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज फीटल कंडीशन, सेकंड वन इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड थर्ड वन इज मेटरनल कंडीशन। राइट, लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसके मेनली पांच जो है वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, पार्टोग्राफ इज एक्चुअली द रिकॉर्ड चार्ट ऑफ द लेबरिंग ऑफ द मदर। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या रहता है, सबसे टॉप के सेक्शन में आ जाता है आइडेंटिफिकेशन डाटा जिसमें हम लोग मदर की नेम, एज, कितने टाइम से वो मैरिड है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है उसकी, वो सारा कुछ क्या है हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है फीटस का वेलबींग चार्ट। ठीक है, फीटस की हार्ट रेट कितनी है, हर 15 मिनट्स में उसकी हार्ट रेट कितनी आ रही है, एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, बच्चे के जो हेड है वो कितना मोल्ड हुआ है या नहीं, वो सारा कुछ हम लोग फिल कर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्राफ। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो है उसको फिल आउट करते हैं और इसमें हम लोग और क्या आ जाता है, सर्विकल डायलेटेशन आ जाती है, हेड का डिसेंट डाउन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन जो है ये भी आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट आ जाता है पार्टोग्राफ का मेटरनल कंडीशन। अब इसमें आ जाता है ये मेटरनल वेलबींग, इसमें आ जाता है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक यूरिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मदर के, वो सारे कुछ हम लोग क्या है लास्ट सेक्शन में क्या है पार्टोग्राफ के फिल करते हैं। राइट, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। सबसे पहले आ जाता है मदर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आ जाता है फीटल वेलबींग, सॉरी, फिर उसके बाद आ जाता है फीटल वेलबींग, इसमें आ जाता है फीटल की हार्ट रेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एमएनआई, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है, कैसा सा मोल्डिंग हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी हुई है, +1 +2 T3। राइट, फिर उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसा है, डायलेटेशन कितनी हुई है, डिसेंट डाउन कितना हुआ है पर मिनट या पर आर के हिसाब से, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कितनी आ रही है 10 मिनट्स में, मेडिकेशन कौन कौन सी चल रही है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप कौन सी चल रही है और मदर की वेलबींग क्या है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है या नहीं, ग्लूकोज एसीटोन या यूरिन आउट कितनी है, वो सारा कुछ क्या है हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं।
सबसे पहले आ जाते हैं पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। अगर कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में बात करें तो जो पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डाटा है, तो इसमें आ जाता है कि पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं कि लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मदर एंड हर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आ जाएगी, जैसे कि नेम, एज क्या है मदर की, कौन सा ग्रेविडा चल रहा है, कौन सा पैरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर हॉस्टल का, यू रजिस्ट्रेशन नंबर दैट है, UHID क्या है, डेट एंड टाइम क्या था जब वो फर्स्ट हॉस्पिटल में आई थी, फर्स्ट डिलीवरी है तो क्या था, ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन्स अभी रेप्चर हुई है या नहीं, दैट इज वाटर ब्रोक हुआ है या नहीं, ये सारा कुछ क्या है, हम लोग जो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ है उसमें इस तरह से हम लोग क्या है फिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन, फिर नेम फर्स्ट एंड लास्ट, एज आ जाती है, डेट प्राइमरी पैरिटी आ जाती है, ग्रेविडा, LMP क्या आती है, EDD क्या है, जेस्टेशनल एज हम लोग वीक्स में इसको फिल करते हैं, ROM मीन्स रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हुई थी या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कितने टाइम पे हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, लेबर ड्यूरेशन कितनी चल रही है, कितने घंटों से चल रही है, कब स्टार्ट हुई थी, फैसिलिटी या क्लिनिक नेम, जिस भी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे भी हो रही है डिलीवरी, तो उसका हम लोग नेम क्या है फिल करते हैं, राइट। सेकेंड आ जाता है फीटल वेलबिंग, और फीटल वेलबिंग में सबसे पहले आ जाता है फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट जो है हम लोग हाफ एन आवरली ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर या फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है हम लोग क्या है हाफ एन आवरली चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग कब चेक करते हैं, 15 मिनट्स में। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज क्या रहती है, नॉर्मल रेंज रहती है 130 to 150 beats per minute। ठीक है, ये हम लोगों को सुनाई देती है, लेकिन अगर जो है नॉर्मल रेंज अगर हमारे 50 से 100 beats per minute भी जा रहा है, तो इट मीन्स क्या है बच्चा क्या है एस्फिक्सिएटेड हो रहा है, राइट। उसके बाद आ जाता है लीकोरेमिनाई। अब लीकोरेमिनाई में हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग एमनियोटिक फ्लूड को क्या है ऑब्जर्व करना होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसका कलर चेक करके। अब अगर जो एमनियोटिक फ्लूड है वो क्लियर है तो उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, अगर ब्लड स्टेन्ड है तो बी से, मीकोनियम स्टेन्ड है तो एम से, अगर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है अभी रप्चर नहीं हुई है तो उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो गई है लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आने से पहले रप्चर थी है, तो हम लोगों को एमनियोटिक फ्लूड का कलर नहीं पता है, तो हम लोग उसमें क्या है सिंपली आर लिख के छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग हम लोगों को पता है कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, +1, +2 एंड T3, राइट। तो अगर मोल्डिंग वैसे होता गया है जब जो बोन्स है जो हेड की फीटस की जो स्कल की बोन्स है वो जब आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है, एक दूसरे को टच करती है, तो उसमें क्या है उसको क्या है हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आ जाता है मोल्डिंग को कैसे इसमें फिल आउट करना है, बोन्स अगर सेपरेटेड है और हम लोग क्या है सूचर्स को इजीली फील कर सकते हैं, तो हम लोग उसको सिंपली 0 से डिनोट कर देते हैं या 0 फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बोन्स अगर टच कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है, सिर्फ टच कर रही है, तो ये सिंगल प्लस आ जाएगा, इसको हम लोग +1 भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन्स अगर ओवरलैप कर रही है, बहुत सीवियरली ओवरलैप नहीं कर रही है, ठीक है, या सिंपली ओवरलैप कर रही है, तो हम लोग 2 बारी प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है, या +2 लिख देंगे। उसके बाद थर्ड वन इज अगर बोन्स क्या है ओवरलैप कर रही है सीवियरली, और हम लोगों को पता है कि आफ्टर डिलीवरी बोन्स क्या है वो ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है, ओवरलैपिंग उनकी नहीं फिनिश हो सकती है, तो हम लोग क्या है T3 हम लोग उसको सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, अगर मोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, और लेकिन सूचर्स भी नहीं फील हो रहे हैं, मोल्डिंग भी नहीं हुई है, तो हम लोग उसको माइनस में हम लोग डिनोट कर देते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है थर्ड कंपोनेंट, आ जाता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। अब प्रोग्रेस ऑफ लेबर हम लोगों ने इसमें भी सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाता है सर्विकल डायलिटेशन। अब सर्विकल डायलिटेशन हम लोगों को पता है कि सर्विकल डायलिटेशन क्या होता है, जो सर्विक्स है वो डायलेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो द सर्विकल डायलिटेशन इज प्लॉटेड ऑन द अलर्ट लाइन ऑन द ग्राफ ऑन द एडमिशन इन एक्टिव फेज एंड द फर्दर एग्जामिनेशन आर मेड एटलीस्ट 4 आवर्स। सर्विकल डायलिटेशन जब भी हम लोगों ने चेक करनी है, तो हम लोग इसको PV के थ्रू चेक करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोग बार बार PV क्या है नहीं कर सकते, बार बार अगर हम लोग फिंगर्स इंसर्ट करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस क्या है बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है बार बार PV नहीं कर सकते, every 4 hourly हम लोगों ने डायलिटेशन चेक करनी है। ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ द ईच डायलिटेशन जॉइंड बाय अ लाइन द सर्विकल डायलिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। हम लोगों को पता है कि जो सर्विकल डायलिटेशन है ये भी हम लोग आगे दो दो जो है फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है लेटेंट फेज, उसके बाद आ जाता है हमारा एक्टिव फेज, राइट। तो लेटेंट फेज में कब तक आ जाता है, जो लेटेंट फेज है ये हमारा जो मॉडिफाइड पार्टोग्राफ है, जो WHO ने मॉडिफाइड पार्टोग्राफ जो
प्रपोज किया है उसमें नहीं है, ठीक है। लेटेंट फेज में क्या रहता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर। जब भी कभी भी लेबर स्टार्ट हुआ, लेबर पेन स्टार्ट हुई है, चाहे वो घर पे स्टार्ट हुई, चाहे वो हॉस्पिटल में स्टार्ट हुई है, तो वहां से क्या है, लेटेंट फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इट लास्ट अंटिल, जब तक क्या है, सर्विकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर तक नहीं हो जाती, ठीक है। और ये मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में 8 घंटों तक का रहता है, ठीक है, लेटेंट फेज जो होता है, ठीक है। ये मॉडिफाइड जो आजकल हम लोग पार्टोग्राफ्स हॉस्पिटल में यूज करते हैं उनमें नहीं है ये वाला फेज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव फेज। ये फेज होता है, इट्स एक्टिव फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्विकल डायलेटेशन, 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्विकल डायलेटेशन टू द 10 सेंटीमीटर, दैट इज द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, राइट। अब डायलेटेशन जो है, अगर हम लोग प्राइमरी ग्रेविडा, दैट इज जो मदर फर्स्ट टाइम मां बन रही है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी जो है वो कर रही है, तो उनका होता है 1 सेंटीमीटर पर आर के रेट से। और अगर मल्टी पैरा है कि पहले डिलीवरी हो चुकी है, पहले एक आधा बच्चा हो चुका है नॉर्मल डिलीवरी से, तो उनमें जो डायलिटेशन है वो होती है 1.5 सेंटीमीटर पर आर की रेट से, राइट। अब एक्टिव फेज में भी क्या है, दो लाइंस होती है, एक होती है अलर्ट लाइन और एक होती है एक्शन लाइन। अब अलर्ट लाइन का क्या मतलब रहता है कि दी अलर्ट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द 4 to 10 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डायलिटेशन। अगर क्या है कि जब भी हम लोग आर्ली, एवरी 4 आर्ली हम लोगों को पता है कि हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर अलर्ट लाइन से क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, अगर जो ग्राफ है हमारा, ये जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो अलर्ट लाइन से क्रॉस हो रही है, इट मींस कि लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो उसमें क्या रहता है कि देयर आर सम डेंजर चांसेस कि जो मदर या फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में जा सकते हैं, ठीक है। एक्शन लाइन उसके बाद आ जाती है एक्शन लाइन। एक्शन लाइन जो होती है ये अलर्ट लाइन के बाद आती है। अगर जो है हमारा ग्राफ है, प्लॉटिंग है, वो एक्शन लाइन को क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स कि एज सून एज पॉसिबल कि हम लोगों को सी सेक्शन के लिए मदर को भेज देना चाहिए। अगर हम लोग और थोड़ा सा डिले करेंगे तो हो सकता है बेबी या मदर की जो हेल्थ है वो, या जो सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में चली जाए, राइट। उसके बाद आता है स्टेशन ऑफ हेड। स्टेशन ऑफ हेड आ जाता है जब भी हम लोग डायलिटेशन फाइंड आउट करते हैं, तो स्टेशन ऑफ हेड हम लोग क्या है, चेक कर देते हैं। तो इसको जब भी हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों को पता रहता है अगर ये अपवर्ड है, पेल्विक जो ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम से ऊपर है अगर बेबी का हेड है तो -1 -2 में जाएगा, और अगर नीचे है तो +1 +2 में जाएगा, हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है जो डिसेंट है, इसको हम लोग एब्डोमिनल पाल्पेशंस के थ्रू क्या है वो चेक करते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस के पे हम लोग क्या है पाल्पेट करते हैं, बेबी का हेड इसमें आ जाता है, जो हम लोगों ने पेल्विक ग्रिप्स पढ़ी थी, फंडल ग्रिप्स पढ़ी थी, उसमें आ जाता है पॉलिक ग्रिप, राइट। उसमें जो हम लोग पॉलिक ग्रिप जो है वो चेक करते हैं, वो आ जाता है इसमें, राइट। उसके बाद आ जाता है टाइम। अब टाइम हम लोगों ने कैसे करना है, एडमिशन के टाइम पे 0, ठीक है, और एक्चुअल टाइम जो है वो हम लोग क्या है, जो आवर्स जो हम लोग प्लॉट करते हैं उसके नीचे क्या है, हम लोग उसको 4 आवरली क्या है उसको टाइम चेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई आया है हमारे पास सुबह 9 बजे, तो हम लोग उसको 0 आवर लिखेंगे। उसके बाद आफ्टर 4 आवर्स हम लोग उसको 1 आवर लिखेंगे, जो भी टाइम हुआ होगा उस टाइम, राइट। ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है अलर्ट लाइन, इसको हम लोग 4 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर क्या है ड्रॉ किया होता है। अगर अलर्ट लाइन से जो भी हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर है अलर्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स के प्रोलॉन्ग जा रहा है हमारा जो भी लेबर है। और अगर एक्शन लाइन के भी क्रॉस आ रहा है, इस लाइन को भी क्रॉस कर रहा है हमारा जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, तो इसका मतलब ये है कि एज सुन एज पॉसिबल मदर को नॉर्मल डिलीवरी छोड़ के सी सेक्शन के लिए भेज देना चाहिए, अनलेस मदर या बेबी की सिचुएशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है आवर्स फिल करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है टाइम, 0 आवर 4 आवर्स 8 आवर्स 12 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टाइम लिख देते हैं, 0 आवर कब आएगा, 9 बजे आई है तो 0 आवर, ठीक है। उसके बाद 4 आवर्स में कितना जाएगा, फिर उसके बाद 8 आवर्स पे क्या टाइम रहेगा, वो सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रेक्शंस फिल करते हैं। कॉन्ट्रेक्शंस मीन्स कि हर 10 मिनट में हम लोग चेक करते हैं पहले कैसे कैसे आ रही है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रेट में आ जाते, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हम लोग 10 मिनट्स पे रिपोर्ट जो है फिल करते हैं, और इसको हम लोग क्या है स्क्वायर के बॉक्स में हम लोग क्या है फिल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ड्रग्स या आईवी फ्लूइड जो भी है वो हम लोग क्या है इसी के बाद एक स्पेस प्रोवाइडेड होती है उसको फिल करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस की बात करें, तो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस को क्या है हम लोग सिंपली अगर डॉट 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 के साथ लिख डिनोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है ये less than 20 seconds जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये, इनको हम लोग माइल्ड भी बोल देते हैं, माइल्ड कॉन्ट्रेक्शंस है, ठीक है।
लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्शन जो है वो फोर कॉन्ट्रेक्शन आ रही है एंड दे आर लास्टिंग फॉर 20 to 40 seconds, तो हम लोग इनको क्या है डायगनल लाइंस के साथ क्या है डिनोट करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग मॉडरेट, जो मॉडरेट कॉन्ट्रेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है मोर देन फोर कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद आ जाते हैं फाइव कॉन्ट्रेक्शन, और हर कॉन्ट्रेक्शन जो है वो 40 seconds के लिए लास्ट कर रही है हर 10 मिनट में। उसको हम लोग क्या है फुल्ली फिल कर देते हैं, ठीक है, पेंसिल के साथ या पेन के साथ, ब्लैक पेन के साथ इसको हम लोग क्या है मेनली फिल करते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्ट्रेक्शंस हैं ये सीवियर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रोग्रेस जो है वो सॉरी जैसे जैसे लेबर जो है वो प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस क्या है इनका इंटरवल जो है वो कम होता रहता है, इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, राइट। उसके बाद लास्ट का हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है मेटरनल कंडीशन। इसमें हम लोग क्या है मदर का ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर जो है एवरी 4 आवर्स क्या है ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवरली चेक करके उसको फिल करते हैं, और जो पल्स रहती है उसको हम लोग हर 30 मिनट्स में चेक करते हैं, ठीक है। मार्क अपर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक विल एंड जॉइन द लाइंस, जो भी हम लोग जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में करा था कि हम लोग जो वाइटल साइन का ग्राफ फिल करते थे, एज इट इज ही क्या है हम लोग यहाँ पे भी जो मदर की कंडीशन, जो मदर के वाइटल साइंस जो होंगे उनको का ग्राफ क्या है उनको प्लॉट करके और उसको क्या है ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिन आउटपुट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि मदर ने यूरिन पास करा है या नहीं है, अगर करा है तो वो कितना करा था, हाउ मेनी टाइम्स यू शी वेंट फॉर द वॉशरूम ब्रेक, ठीक है। एसीटोन था उनके वॉशरूम में या नहीं, प्रोटीन टेस्ट के लिए हम लोग भेजते हैं, और जो ग्लूकोज लेवल है वो यूरिन में प्रेजेंट था या नहीं। सो ये सारे टेस्ट क्या है हम लोग क्या है अवेलेबल होते हैं और इनको हम लोग क्या है परफॉर्म करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है, थैंक यू।